इंडिया में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का क्रेज बहुत ज्यादा है, और अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक की फैन हो या फिर 2024 में आप कोई रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की कुछ बढ़िया बाइक्स के बारे में जो 2024 में लॉन्च होने वाली है। तो टोटल 4 बाइक्स है जो 2024 में रॉयल एनफील्ड लॉन्च कर सकता है, जो कि दिखने में और स्पेक वाइज तो काफी बढ़िया लग रही है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको भी पता चल जाएगा कौन सी बाइक्स है। सबसे पहली जो बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड बॉबर 350। इस बाइक को देखकर ऐसा लगता है कि भाई क्लासिक 350 को मॉडिफाई करके इसको बनाया है। इस बाइक में मिलने वाले आपको एप हैंगर हैंडल बार, व्हाइट वॉल टायर और स्विंग आर माउंटेड रियर फेंडर, और 349 सीसी का ओएससी इंजन होने वाला जो प्रोड्यूस करेगा 20 बीएचपी पावर को, 5 स्पीड गियर बॉक्स होगा। लॉन्च की बात करें तो अप्रैल 2024 में ये बाइक लॉन्च हो सकती है। नेक्स्ट बाइक है रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 650। इस बाइक का जो डिजाइन है वो इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 के डिजाइन पर बेस होने वाला है, और इस गाड़ी में होने वाला है 648 सीसी का पैरेलल ट्विन मोटर इंजन। ये एक ऑफ रोडर बाइक होने वाली है जिसमें वायर स्पोक अलॉय व्हील्स होंगे, 2-in-1 एग्जॉस्ट सिस्टम, स्प्लिट एसिस क्लच, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होने वाला है, ट्रिपर नेविगेशन जो कि इनकी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन होती है हर बाइक में, और साथ में ड्यूअल चैनल ABS। लॉन्च की बात करें तो ये जुलाई 2024 में लॉन्च हो सकती है। नेक्स्ट बाइक है रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 450। ये बाइक हिमालयन 452 का एक स्क्रैम्बलर वर्जन होने वाली है। भाई रॉयल एनफील्ड के आने वाली हर नई गाड़ी में ये मेंशन किया गया है कि इस गाड़ी का डिजाइन से इंस्पायर है, इस गाड़ी के डिजाइन पे बेस है। मतलब रॉयल एनफील्ड वाले पुराने दो गाड़ियों के डिजाइन को मिक्स करके शायद एक नई गाड़ी बना रहे, और गाड़ी अच्छी है तो कोई बुरी बात नहीं है, और अच्छे प्राइस पे आ रही है तो बहुत सही है। तो इस गाड़ी में 450 सीसी इंजन होने वाला है जो प्रोड्यूस करेगा 40 बीएचपी और 40 एनएम टॉर्क। इस गाड़ी को बहुत बार स्पाई किया गया, स्पाई शॉट वगैरह देखे गए। लॉन्च की बात करें तो ये लेट 2024 में लॉन्च होगी, एग्जैक्ट कोई मंथ वगैरह बताया नहीं गया। इसके बाद लास्ट गाड़ी है रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650। इस गाड़ी की भी कहानी वैसी है, दो गाड़ी को मिक्स करके ये सुपर मेटियोर 650 का एक बॉबर वर्जन होने वाली है। बॉबर बाइक जिसकी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। इस गाड़ी के जितने भी स्पाई शॉट आए उनको देखकर पता चल रहा है कि भाई सर्कुलर हेडलैम्प होने वाले जो कि एक क्लासिक लुक देंगे, जिसमें क्लैनी हेडलैम्प काउल होगा, क्रोम एसेंट होगा, स्प्लिट सीट अरेंजमेंट होने वाली है, साथ में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रिपल नेविगेशन और 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन होने वाला है, 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्प्लिट एसेंट क्लच। अब इस गाड़ी की लॉन्च की बात करें तो ये भी लेट 2024 में लॉन्च होगी, हो सकता है कि अगले साल इसी टाइम के आसपास लॉन्च हो जाए। तो ये कुछ 4 गाड़ियां 2024 में रॉयल एनफील्ड लॉन्च कर सकते। बाकी और किसी बाइक के बारे में पता चलता है तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।